नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे और स्वस्थ होंगे। अब कोरोना काफ़ी कम हो गया है, लॉकडाउन भी बहुत सारी जगहों पे ख़त्म हो चुका है। अब हम बाहर निकल सकते हैं, अपने ऑफिस जा सकते हैं, अपने बिजनेस पे जा सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सामान्य हो चुकी हैं। आज मैं आपसे बात करता हूँ प्राणायाम के बारे में। मैंने अक्सर देखा है कि जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि वॉकिंग हो गया, जॉगिंग है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, इसके बाद लोग बैठ जाते हैं प्राणायाम करने के लिए। मन का जो सुख है, जो अंतरात्मा का जो सुख है, वो हमें प्राणायाम से ही मिलता है। प्राणायाम शुरू करने से पहले हमें अपने जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, जो हमारी सांसों का अंदर और बाहर जाना है, इसके बारे में भी ठीक से जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी दोनों नॉस्ट्रिल्स में से किसी में भी एक में एयर का बैलेंस बराबर नहीं है तो हमें प्राणायाम नहीं करना चाहिए। पहले हमारे अंदर जो भी म्यूकस है, जो कफ है, वो अगर हमारे नॉस्ट्रिल्स में, हमारे विंड पाइप में अगर वो है, तो हमें प्राणायाम से अपने आप को रोकना चाहिए। नेति द्वारा, जल नेति, सूत्र नेति द्वारा हमें पहले उस म्यूकस को, उस कफ को अपने शरीर से निकाल कर बाहर कर देना चाहिए, तो उसके बाद हम प्राणायाम के लिए बैठें। जब एक बार हमारे नाक से दोनों साइड के लेफ्ट एंड राइट नॉस्ट्रिल से एयर बराबर अंदर और बाहर, इनहेल और एक्सहेल सामान्य रूप से हो रही हो, तब हम प्राणायाम के लिए बैठ सकते हैं। प्राणायाम में बैठने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप पद्मासन या सिद्धासन में बैठें। तो पद्मासन जो कि सबसे आसान है, कि एक पैर हमारा लेफ्ट लेग राइट लेग के ऊपर और हमारा लेफ्ट लेग राइट लेग के ऊपर, दोनों पैरों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा करके हम यूँ आराम से पीठ कमर गर्दन पर अपना पूरा अवेयरनेस, अपने आप को बैलेंस कर लें मैट पर, कि आप बिल्कुल कंफर्ट अपने मैट पर बैठे हुए हैं। अपने दोनों हाथों को चिन मुद्रा में, इसके बाद हम अपने राइट हैंड को अपने सामने लाएंगे, अपने थंब को अपने राइट नॉस्ट्रिल पे, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर हमारे अग्न चक्र, हमारे आईब्रोज के बीच में, हमारा रिंग फिंगर विल रिमेन फ्री, कीपिंग आवर लेफ्ट नॉस्ट्रिल ओपन, अपने लेफ्ट नाक को खोल के रखना है। इनहेल एंड एक्सहेल 5 times। पांच बार करने के बाद हम अपने थंब को हटाएंगे, अपने रिंग फिंगर से अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, अपने थंब को हटाते हुए हम अपनी राइट नॉस्ट्रिल को ओपन करेंगे, अपनी दाहिनी नाक से 5 times सांस को अंदर, सांस को बाहर। ध्यान रहे कि जब हम सांस को अंदर ले रहे हैं, सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, तो सांसों को पूरा धीरे 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 अपने पेट तक जाने दें, हमारा पेट एक्सपैंड करेगा, फिर अपने लंग्स को भरें, हमारा लंग्स एक्सपैंड करेगा, और फिर हमारे शोल्डर्स तक, अपर चेस्ट एंड शोल्डर्स, यहां तक पूरी हवा को भरेंगे, और फिर धीरे धीरे एक्सहेल आउट। ये हो गया हमारा पहला टेक्निक, जिसको हम बोलते हैं नाड़ी शोधन टेक्निक 1। जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को अंदर ले रहे हैं, तो ये हमारे राइट साइड का जो ब्रेन है उसको ये एक्टिवेट करता है। सिमिलरली जब हम अपने राइट नॉस्ट्रिल से सांस को लेते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद रखते हैं, तो ये हमारे लेफ्ट साइड के ब्रेन को एक्टिवेट करता है। अभी इसी में हम दूसरा टेक्निक यूज़ करेंगे, जिसमें ये हमें और ज़्यादा काम और ज़्यादा कूलनेस देगा। इसके लिए हम अपने सांसों को, अपने हाथ को लाएंगे नासाग्र मुद्रा में। तो हम इसमें जब सांस को अंदर लेते हैं, तो अपने मन में हम 3 times ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या आप कोई भी अपने ईश्वर का, अपने भगवान का नाम ले सकते हैं, और 3 times ही हम एक्सहेल के दौरान अपने ईश्वर का, अपने भगवान का नाम जपेंगे। तो मन ही मन हम जब इनहेल कर रहे हैं, सेम चीज़ हम अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, अपनी रिंग फिंगर से हमारे इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, हमारे मिडिल ऑफ आर आईब्रोज और आर अग्न चक्र स्लाइटली प्लेस, हमारा राइट नॉस्ट्रिल खुला रहेगा, एंड सिमिलरली विल डू विद आर राइट नॉस्ट्रिल। ध्यान रहे कि जब भी हम प्राणायाम के लिए बैठते हैं, तो हमारी पीठ कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए एक लाइन में, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी का फ्लो है
वो हमारे स्पाइन के थ्रू ही हमारे कुंडलिनी से हमारे सहस्त्रार्थ चक्र जो कि हमारे बॉटम से लेकर हमारे टॉप हेड तक वेन्स हैं जो नाड़ियां हैं उनके द्वारा ही संचालित होता है। इसके लिए हमें अपनी पीठ कमर गर्दन को सीधा रखना है, अपनी पीठ पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना है कि हमारी पीठ आगे की तरफ कर्व हो जाए और बहुत ज़्यादा लूज नहीं छोड़ना है कि हमारी पीठ पीछे की ओर कर्व हो जाए। अपनी पीठ कमर गर्दन को हम सीधा रखते हुए अपने आप को अच्छे से एडजस्ट करते हुए मैट पर बहुत ही कंफर्ट तरीके से बैठेंगे। ध्यान रहे कि हमारा इनहेल और हमारा एक्सहेल ऑलमोस्ट इक्वल टाइम इंटरवल का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम तेजी के साथ सांस को खींच रहे हैं और धीरे धीरे सांस को छोड़ रहे हैं, या हम धीरे धीरे सांसों को अंदर ले रहे हैं और तेजी के साथ हमने सांसों को बाहर छोड़ दिया। अपने ब्रीदिंग पर अपने कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है और इसी का नाम है प्राणायाम। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, अगर आप रनिंग करते हैं, अगर आप योगा अभ्यास करते हैं, तो जब भी आप प्राणायाम के लिए शुरुआत करें सबसे पहले आप नाड़ी शोधन ज़रूर करें और नाड़ी शोधन करने के बाद आप एडवांस या जो आगे के प्राणायाम हैं जैसे कि कपालभाति, भस्त्रिका, सूर्यभेदी प्राणायाम, भ्रामरी, इन सारे प्राणायाम के लिए आप तैयार हो जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए कोई एक नई सीख है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी समस्या है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।